स्वागत बा स्वागत बा स्वागत बा कबिला कार्यक्रम जीवन के डगर के आश्रम में बैठल सबको कबिला होकर हृदय से स्वागत बा। मई कार्यक्रम प्रस्तुता संगम चौधरी के तरफ से मन मन में रोके उठले हासे परल बेला मन मन में रोक उठले हास परल बेला येशु द्वारा मन में आनंदित होल बाटू मई बीतल बाट न घरी घरी तरपाइल बेला बीतल बाट न घरी घरी तरपाइल बेला आप येशु द्वारा शांति पाइल बाटू मई मन मन में रोक उठले हास परल बेला येशु द्वारा मन में आनंदित होल बाटू मई नाशवान पौरा से धोखा पाइल बेला स्वर्गीय मुकुट के आशा में रमाइल बाटू मई मन मन में रोक उठले हास परल बेला येशु द्वारा मन में आनंदित होल बाटू मई छेर भर के झूठा मैया में ढोखा पाइल बेला छेर भर के झूठा मैया में ढोखा पाइल बेला ख्रीस्ट येशु के अनंत प्रेम में भूलल बाटू मई मन मन में रोक उठले हास परल बेला येशु द्वारा मन में आनंदित होल बाटू मई पल पल म येशु के प्रेम क्रूस म समझल बेला पल पल म येशु के प्रेम क्रूस म समझल बेला येशु के करल प्रतिज्ञा के प्रतीक्षा म बैठल बाटू मई येशु के करल प्रतिज्ञा के प्रतीक्षा म बैठल बाटू मई मन मन में रोके उठले हासे परल बेला येशु के द्वारा मन में आनंदित होल बाटू मई कबिला आज फिर मैं ये कार्यक्रम को पर्दा उघार सीख्नु मैं आशा करत हूँ अपने रमैया मान का ये कार्यक्रम को समय समय सुन को साथ देवेकना कविला आसमै प्रस्तुत कर जाइटू आदरणीय सिनियर पास्टर नरीलाल दहित ज्यू द्वारा ई सन्देश बिठा कविला हुकर आस फिम वार मसे अपनोकन जे जे एफएम खोल के सुनति अपनोकन म नमस्कार बा आए ए सानो समय है ना हमरा सदुपयोग करी अपनोकर फ्यासिस हुई हमरा फ्यासिस हुई मैं अपन के माझ में एक ठो बाइबल धर्म शास्त्र मसे एक ठो पूरा बुरा चाहत येशु छ अध्याय मसे अपन के माझ में मैं के कुछ बुरा चाहत हूँ यहाँ येशु का ना एक ठो परमेश्वर म परमेश्वर के नजर में एकदम ईमानदारी मनिया परमेश्वर के डर डरिना मनिया ई मनिया हो और चाहे विश्वास में एकदम आग बना एक दिन परमेश्वर कलिन कि यहू सुन का लगल से परमेश्वर हुकार आत्मा में बोलिन परमेश्वर का लगल से ऊ शहर येरी हो शहर चाहे कब्जा कर जा ऊ शहर न कब्जा कर और शहर न नष्ट पार्क और बहुमूल्य चीज चाहे लेखना बाकी नष्ट होना चीज जराख हो कल त परमेश्वर यहू सुन का लगल से ऊ शहर अन कब्जा करबे ई कुरा करब परि तै परमेश्वर के उपस्थिति होना एक संदूक उस समय में रह अपन नहीं बुझ बिल्कुल सब ठीक है बाबा मन्ना परमेश्वर के ढेर मन्ना रह लट्ठी रह दस आज्ञा रह और चीज फिर रह ऊ मजनु परमेश्वर की उपस्थिति बाकस में जहाँ ले गए से परमेश्वर उम्र रह तो परमेश्वर का आकल ये सुना ये बक्सा लेकर न ऊ शहर न पहले दिन में एक चक्कर लगा कर न घर ही हो दोसरो दिन फिर एक चक्कर लगा कर घर आई हो तेसरो दिन में फिर एक चक्कर लगा कर घर आई हो चौथो दिन में फिर एक चक्कर लगा कर घर आई हो पाँचों दिन में फिर एक चक्कर लगा कर घर आई हो तो सातों दिन में जुनो सात चक्कर लगे हो एक चक्कर दुई चक्कर तीन चक्कर चार चक्कर पाँच चक्कर छः चक्कर सात चक्कर लगा कर ना भेरी सिंह है ना तुरही फुक हो और बाकी मैंने चिल्ल हो तर ऊ पर्खाल चाहे ढल जाए कहीं परमेश्वर कला ये होशु तर ये होशु अशिक सुनल कसिन कुरा हो कहने
मैरलसे त मैले शङ्का गर्ने हेर्नु आ ऊ पखाल पर्खाल कसिन रहे कसिक शङ्का गर्ने हेर्नु कसै पर्खाल त कसिन रह ऊ पर्खाल चाहिँ 20 फिट ढ्याङ रह 6 फिट चौडा ऊ पर्खाल रह सुन कि अपना कुरा 6 फिट चौडा पर्खाल 20 फिट ढ्याङ गिन्ने रहर एकठो ढोका रह हेरी त और 15 फिट दूर जुन हो 6 फिट चौडा 20 फिट ढ्याङ फेकठो और पर्खाल रह दुई ठो पर्खाल रह ई यहाँ पर्खाल की भित्र जुन एकदम सुरु सिट मने बैठल रह सम्मा वहाँ घर गृहस्थी व्यापार सब चीज बिजनेस जम्मा वहाँ रहलिन ऊ पर्खाल के भित्र बरफ भारी शहर रह ऊ शहर अंदर परमेश्वर को कब्जा कर अनि यहाँ हाम्रा द्याकटी टफी काबाग 6 फिट चौडा 20 फिट ढ्याङ 15 फिट दूर 6 फिट चौडा 20 फिट ढ्याङ गछि दुई ठो पर्खाल र यी पर्खाल अनि परमेश्वर यहोशुको जा कब्जा गर मै त अत्रा ठुल 6 फिट चौडा र पर्खाल बा 20 फिट ढ्याङ बा दुई ठो अष्ट पर्खाल बा कसिक ढलिक नै रहनु मै त तर यहोशु चाहिँ शिक्षण कानि गर्न परमेश्वर के वचनमा इमानदारीको आज्ञा पालन गर्न अनि गेला हो सन्दुक परमेश्वरको उपस्थितिमा सन्दुक बोकन पहिलो दिनमा एक चक्कर दोस्रो दिनमा एक चक्कर तेस्रो दिनमा एक चक्कर चौथो दिनमा एक चक्कर पाँचौँ दिनमा एक चक्कर छैठौँ दिनमा एक चक्कर सातौँ दिनमा चाहिँ सात चक्कर लगाकन फेरिके सिंह फुक्ल आउर बाँकी मैले चाहिँ चिल्लैल परमेश्वर महिमा गर्ल ऊ पर्खाल जुन बाहर नि ढलल कि ऊ पर्खाल चाहिँ भित्तर ढलल अनि दुई 20 फिट ढ्याङ पर्खाल दुईठो पर्खाल ढलल त भित्तर के रहल मैले चाहिँ मुगिल और गिन्ने से बाँचल मने जुनो यहोशु के मने जुनो भित गिन्ने से जाकर न ये शहर में रहल मने चाहे मरला मैं अठन अपन के माजा में ये लड़ाई झे झगड़ा के बारे में मैं कहानी चाहती थी तर परमेश्वर के उस समय में अचमक काम कर लग बारे में मैं अपन के माजा में लाना तू मर बात एफएम सुनिया मन दाजू भाई कबीला अपन में ये कह चाहती थी परमेश्वर उस समय में अचमक रह देख के काम कर ल 6 फिट चौडा 20 फिट ढ्याङ दुई ठाउँ पर्खाल न परमेश्वर भत्किना परमेश्वर हो त आ सपना गर मर बाबा सुन दिएको से अपन के जीवनमा कत्रा भारी समस्या बा यदि मर यी वचन सुन दिएको से अपन जीवनमा काई 6 फिट चौडा 20 फिट ढ्याङ नेन अपन के दुई ठाउँ पर्खाल के बराबर अपन के समस्या बा यदि बा कल से ना डराई असिन पर्खाल न फिर परमेश्वर भटका दे थकल से उग्रा घन लेकर टोट फोट नहीं कर परमेश्वर के कल वचन आज्ञा पालन कर ल अनुसार का जिल अनि परमेश्वर चाहे चमक काम कर लू पर्खाल भटका दे आज अपने को मर आवा सुन दी कल से अपन के घर में समस्या हुई थेरा मेरन के मेल मिलाप नहीं हुई साकर समाज में अपन की दुश्मनी हुई साकर अनि अपन के रुपया पैसा के कारण अपन कुछ बिजनेस व्यापार करने सैक्ट हुई थी लड़का पर्कन पढ़ाई नहीं सैक्ट हुई थी मजा मजा लुगा नहीं सैक्ट हुई थी का ये पर्खाल से भारी समस्या होता ये हेरी वो समस्या अपना वो समस्या से भाग नहीं पड़त समस्या से जूझ पड़त हम अनि जब जमा जीवन में संघर्ष आए तब हम चाहे विजय बिगड़े से हमारे चाहे मने समस्या से भगना मने काम नहीं लगता अपन के जीवन में समस्या बा रोग बा टाइफाइड बा ब्लड प्रेसर हाई लो फे बा अपन के कपार कपार एमआरए कराई ना हुई सागर ग्वारा पठिना सर नशा के संबंध नशा की समस्या पेट के रोग हुई सागर अपन के महीना बारी गड़बड़ हुई सागर अन्य अपन के कुपर पठिना सागर आज तक अपन छुटकारा पायल नहीं टिकल से आज मौका बा अपन जे जे सुनते असीन बलगर पर्खाल न परमेश्वर भटकी थकल से परमेश्वर का अपन के समस्या न निहटाई सकी है तर एक उपाय बा आस यदि अपना उग्र चर्चा जी ठीक से विश्वास कर जहाँ जहाँ बैठा उठाऊ छुई यदि अपना उग्र चर्चा नहीं आयल हुई थी तब अपना उग्र येशु अपना न प्रेम करता अपना पाप के लगवा मूल गरे में गस्किल गरे में गस्किल के निरल तीन दिन रख जिगिल 40 दिन देखा पड़ल अनि स्वर्ग में गेल एक दिन ऊ येशु अपना हो मिल लिहाक लगवा संसार के हरेक जात जाति वेशभूषा के मन हरेक धर्म में आस्थापना मन फिर येशु प्रेम करता ऊ येशु अपना बोलाई तो अपना जीवन में से अपने जीवन में से हरेश खाइती कल से आस परमेश्वर अपना कहता हरेश ना खाओ अपना आप अपन जीवन येशु ना दी येशु कहते मठे आओ मैं तू न बोझ मैं उठा ले मैं ले लेम कहते का अपना अपन बोझ येशु ना देह चाहती कल से दी आप बहे दी आई मैं अपन के लिए प्रार्थना कर चाहत हूँ मान ना
आँखी अपना हो आँखी बंद करी मैं प्रार्थना कर अपने जहाँ जहाँ छोट बठाइना बा सबको ठाँ छो विश्वास करी येसु अपने के पाप के लाग मोल गरे म गस्केला तीन दिन तक जिगिल ये संसार में मनिन के हड्डी संसार में बाटिन तर येसु के हड्डी संसार में निहितिन ऊ चाहे मुर्दा से विजय जिगिल आस ऊ येसु अपना अब छुटकारा दे चाहत का तैयार बाटी अपना तैयार बाटी कल से आई मसंग संग प्रार्थना करी परमेश्वर पिता जटा जर यी कुरा सुन आँखी टुम्लोबाट उहाँ सँगमा अपना हटी आफ्नो शक्तिशाली हात आफ्नो छाइ छाउनके कम्मरमा मुन्टामा ग्वारामा जहाँ जहाँ बठाइदिनु ठाउँमा प्रभु उहाँको छुलाबाट आब्बे ऊ रोग बिमार येसुके नाउँमा निकल जाके गनमा आज्ञा गर्छु आइन्दा ऊ आफ्नो छाइ छाउन जीवन कुनै समस्या नआएस भूत प्रेत होकर से आब्बे येसुके नाउँमा तै निकल जाके गर्फे आज्ञा गर्छु प्रभु आस उहाँको आफ्नो जीवन से हरेस खार्कला तर प्रभु अपना वहाँ पर उत्साह जो जांगा दी प्रभु वहाँ का संग हर घड़ी हर्षम अपना होती प्रभु धन्यवाद अपना चंगाई के लाग हमार प्रार्थना सुन लग लाग धन्यवाद यीशु आशीर्वाद दे यीशु के नाम में आमेन ली तर अपना उपर जहाँ जहाँ बैठा था अपन था वहाँ हिलाई जांचिए फने आप अपना उनके जीवन में चमक काम हुई अपना था पाए से हुई था फिर बेटी भी नमस्कार कबिला अब अपना हो कुसुमली यु संदेश आप पाले हुई बा कबाही के आज तो क्या नाम बता दी ना मार विदेश में चौधरी हो मैडम मान तो विश्वास करना से पहला अपन जीवन के बारे में ना कुछ बता सके मार बहुत समस्या रहा पहला मोर समस्या पहले शरीर खुन जाए हमरा डेबी डेबी ने एक छे झार फूक करी लिए डेबी ने एक छे झार फूक करी लिए तो कुछ नहीं लागल गुरोन से कर लिए कुछ वहाँ गिली वहाँ पटाया बिरवा कराए गिली भारत में कुछ नहीं लागल पाछ लास्ट तक मोर जीवन में बहुत समस्या देखे लागल घनी हाथ द्वारा बैठना घनी प्यार बैठना घनी पुब्बर छाती बैठना उस तक लास्टम हम वहाँ गिली धनघरी गिली बिरवा कराए धनघरी गिली तो वहाँ फिर छालम गिली वहाँ फिर नहीं लागल दू तीन चो वहाँ बिरवा करी वहाँ से पाछ लास्ट मोर शरीर खुंजनार बहुत बरस हो गिल रहा दस बारह वर्ष हो गिल रहा शरीर खुंजना नहीं लगना आज तक करत करत बंदगी जगह फिर दे डरलक घरम खैना फिर नहीं पुगल आप विश्वास कर ली घरम खैना फिर पुगल प्रशस्त पहले तो दिहारी कर टिकी पैसा हुई टिकी दवाई कर जीना ठीक हो जाए वहाँ चावर किन्ना रह कुछ नहीं पुगा हमारा घरम आप विश्वास कर ली तो बहुत घरम फिर बहुत हमार परिवर्तन फिर बहुत हो गई मार विश्वास कर टिकी ठरवा फिर दुई तीन महीनम चर्च गई गिल ते मजा भी बिहार तो मैं फिर चर्च चल जिनकल ठरवा ठरवा फिर मार विश्वास कर ल ठरवा पहले कर कसम करया करया रह आप तो ठूल हट कर तो देख पड़ पहले झगड़ फिर कर तो आप झगड़ फिर नहीं कर ना गरी छाए छाउन फिर अपने चल गिल मैं जाए देख पहले जीवन आप के जीवन कतरा फरक बा बहुत फरक हो गई आप फरक के जीवन बताइना पहले तो मैं मुआर एकदम जैटा घुटी रहना आप पहले से बहुत मुआर कुछ नहीं हुई कभू काल खाइल पियल तो लाग जाए पहले से बहुत फरक हो गई पहले तो ठूल रहनू तो मुआर जीवन में एकदम रोप फिर रहा एकदम ठूल देख पड़ना एकदम मोर शरीर फिर नहीं मजा रहे एकदम शरीर फिर खुंजना आप तो बहुत मजा हो तो हमारे परमेश्वर फिर बहुत हमार सहायता दिल बात हमार यीशु प्रभु असीम रहल कह के मोर ठानी रह हमार परमेश्वर तो अपने जस्ते बहुत रोगी बीमारियाँ हुई बहुत जी कार्यक्रम सुनती बात अपने गवाही भी सुनती बात इस सुनिया मन अपने क्या कहना चाहते सुनिया मने तो मैं विश्वास करबो बहुत अपन रोग फे हटत अपन सब जीवन फे मजा हुई
हमार परमेश्वर सहायता देत है। बाटो त सबको यही हो, सत्तै न रोक्न केहीले, न सक्छन् नाप्ने मान्छेले। कविला अपने हुकन ध्यार से ध्यार धन्यवाद दिन चाहतु। अब सम्म कार्यक्रम सुनको साथ दिली अपने हुकन नि कार्यक्रम को सुन लागत सलाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य देवी। कविला आप महीना अपने हुकन से विदा चाहतु। सुनती रवि कार्यक्रम जीवन के दगर।